नमस्कार, खबरों की बदलती परिभाषा ऑप्टिमिज्म एक आशा में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्ष शुरू से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र से अपील की है कि सरकार कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए देंगे। वर्ल्ड बैंक ने सभी देशों से कहा है कि वे लॉन्ग टर्म को प्रोत्साहन देने के लिए मैक्रो पॉलिसीज को अपनाएं। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि देशों को कोरोना वायरस संकट के बीच स्वास्थ्य से संबंधित इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उपाय भी करने की जरूरत है। विश्व बैंक का ये बयान ऐसे समय आया है जबकि इस तरह के संकेत हैं कि 2020 में 6 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में ही चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वर्ल्ड साइकिल डे है, तो आज हम इस पर कुछ बात करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक व्हीकल के रूप में साइकिल का अहम स्थान है। स्कूल, कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल पसंदीदा सवारी होती है। साइकिल चलाना हमारे सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हर साल 3 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आसपास की दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। खासकर शहरों में कम दूरी तय करने के लिए बाइक या डीजल पेट्रोल आधारित अन्य वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल किया जाए तो हर दिन हजारों लीटर पेट्रोल की खपत कम होगी और शहर का प्रदूषण स्तर भी कम होगा। खासकर कोरोना काल में साइकिल का महत्व और बढ़ जाएगा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा और लोग सुरक्षित भी होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 53,248 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की गई। देश भर में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल खोलने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 1 से लेकर गुफा तक प्रत्येक 6 फुट की दूरी पर निशान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोधपुर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोरोना प्रकोप के बीच प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है, इसलिए आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने हर घर गिलोय की पहल की है। जो लोग गिलोय के पौधे अपने घरों में लगाना चाहते हैं वह लोग संपर्क कर सकते हैं और नगर निगम के लोग उन्हें गिलोय के पौधे देंगे। एक आशा में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और बने रहिए इन्फोबग के साथ।